प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि आप किस तरीके से वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे कि द वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस, और जिसके अक्रॉस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और वहीं पे एक एक्स्ट्रा और बात बता दूं मैं कि एमीटर को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। इसको सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये रेसिस्टेंस आर है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो मैंने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया है और ये एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगती है ताकि करंट को ये मेजर कर सके। और वोल्ट मीटर का पर्पस होता है यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से कनेक्ट करा जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी वोल्ट मीटर को, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का है, कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रॉब्लम को करना। कह रहा जा रहा है कि यहाँ पे कि 12 वोल्ट की बैटरी ले ली जो कि आपने एक अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया, जिससे कि करंट 2.5 मिली एम्पीयर सर्किट में फ्लो कर रहा है। हमारे को निकालना है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। तो सर्किट डायग्राम आपका यही बनेगा, 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस आर है जो दिख रहा है आपको, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। यदि करंट की वैल्यू 2.5 मिली एम्पीयर है, मिली एम्पीयर का मतलब 10^-3 एम्पीयर, करंट की वैल्यू 2.5 इंटू 10^-3 एम्पीयर है जो कि मैंने लिख रखा है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ओम्स लॉ का है, वी इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई आई हो जाएगी। बस वी की वैल्यू कितना प्लेस करेंगे, सोचिए आप 12 वोल्ट और करंट आई 2.5 इंटू 10^-3 एम्पीयर, यहां प्लेस कीजिए, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 4.8 इंटू 10^-3 ओम, जिसको हम लोग किलो ओम में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि 1 किलो ओम जो होता है वो 1000 ओम के इक्वल होता है, 10^-3 ओम के इक्वल होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 4.8 किलो ओम हो गई, मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो आपका 4.8 किलो ओम होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।